हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैलेंज रूबी भोजनालय। अगर आप मेरे चैलेंज पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी चैलेंज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी नारियल के लड्डू, जो कि बंगालियों की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे प्रायः पूजा पाठ में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए नारियल को पतले पतले काटकर मिक्सी जार में क्रश्ड कर ले। इस तरह से पूरे नारियल को क्रश्ड कर एक थाली में थोड़ी देर के लिए फैला दे और हवा लगने दे। इसके बाद मैंने गुड़, चीनी और कुछ इलायची के टुकड़े को ली हूँ। मैंने दो बड़े नारियल को क्रश्ड की हूँ, उस हिसाब से मैंने 75% गुड़ और 25% शुगर को ली हूँ। अब हम इस गुड़ को उखली की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में क्रश्ड किए हुए नारियल को रखी हूँ। आपको जिस बर्तन में बनाना हो उसी बर्तन में इसे रखें। ध्यान रहे एक बात, जब हमें इसे पेस्ट करना है तो उसमें पानी नहीं डालना है। हम गुड़ के टुकड़े को डालूंगी, साथ में चीनी और इलायची को भी डालूंगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसे बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। इसे आप एक बार बनाकर कई महीनों तक रख कर खा सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से अब हम नारियल, गुड़ और चीनी को अच्छी तरह से मथेंगे। इसे तब तक मथना है जब तक गुड़ पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और नारियल से तेल निकलना शुरू ना हो जाए। देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मथ लिया है, आप भी इसे अच्छी तरह से मथ ले। अब हम इसे गैस में चढ़ाएंगे। उससे पहले हम लड्डू बनाकर देख लेंगे कि लड्डू अच्छी तरह से बंधा रही है या नहीं। इस नारियल के लड्डू को बनाने के लिए हम नारियल की जगह पर सूखे नारियल या गरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, ये डफ बनकर तैयार हो गई है। चलिए, मैं इसे गैस पर चढ़ा दी हूँ। इसे चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये आपस में बार बार चिपक जाते हैं। इसे 5 से 10 मिनट तक तेज आंच में हम चलाते रहेंगे। चलाना हमें बंद नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से बैठना शुरू कर देगा। इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे तब तक चलाना है जब तक चाशनी पूरी तरह से पक ना जाए। देखिए, अब ये पूरी तरह से पक चुकी है और आपस में गुठलियाँ बनना भी शुरू हो गया है। चलिए, अब हम इसको लड्डू के रूप में तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे बनाने के लिए हम थोड़े थोड़े हाथों में पानी लगाएंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी इसे लड्डू के शेप में या फिर अपने मन चाहे शेप में बना लें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इसे बनाते समय हमें फैन या एसी को ऑन नहीं करना है, नहीं तो ये सूखने लगेंगे और आपको बनाने में असुविधा होगी। इस तरह से मैं सभी लड्डुओं को एक एक कर बना लूँगी। इसे बनाने के बाद हमें खुले में या हवा में 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। चलिए, मैं आपको टेस्ट कर बताती हूँ ये लड्डू कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी अपने घरों में बनाएं और खाने का आनंद लें। मेरे चैलेंज को
लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।